हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स अर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है बेसिकली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, PMJAY। देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि आज के दिन ही बेसिकली इसकी स्टार्टिंग है, इस स्कीम की वो की जा रही है। क्योंकि आज आपको जो 25 सितंबर है, और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती है वो मनाई जाती है, और इसी उपलक्ष्य में बेसिकली इस स्कीम को स्टार्ट है, शुरुआत है वो इसकी की जा रही है। एक तरीके से आज के दिन से एक्टिव फॉर्म में आएगी बेसिकली। कल इसको लेके रांची के अंदर इनोग्रेशन है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, बट एक्टिव फॉर्म में ये स्कीम है वो आज से आने वाली है। अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। देखो देखो, आपको याद होगा कि इस साल के बजट में गवर्नमेंट एक स्कीम की बात करके लेके आई थी, जिसका नाम था आयुष्मान भारत। कि आयुष्मान भारत जो स्कीम थी, इस स्कीम का मेन मोटो था कि हमारे देश में जो हेल्थ सिस्टम है या फिर हेल्थ के लिए जो कमी है उनको दूर किया जाए, और जो गरीब लोग हैं जो कि मेडिसिन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह मिल सके, तो उनके लिए बेसिकली स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट ने। मतलब बजट में ऐलान किया था कि लगभग इसके तहत 50 करोड़ लोगों को इंक्लूड है इस स्कीम में वो किया जाएगा। कि 10 10 करोड़ इसके अंदर क्या है कि देखो, 10 करोड़ फैमिली जा गई, तो एक फैमिली में अगर अपन 5 लोग मान के चले एवरेज, तो लगभग 50 करोड़ को उससे बेनिफिट है वो मिल रहा है। अब इसमें जो बीमा की लिमिट थी वो थी 5 लाख रुपए तक की, कि हर पर्सन है उसका 5 लाख तक का इसमें बीमा है वो किया जाएगा, और उसके आधार पर ही फिर उनको अलग अलग फैसिलिटीज वगैरह दी जाएंगी। 5 लाख तक का उनका बीमा है। अब प्रोसीजर क्या है एक बार थोड़ा वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रोसीजर ये है कि जो भी बेनिफिशियरी है, मतलब जो भी अगर कोई भी पर्सन बीमार वगैरह हो गया, या मान लो कि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हॉस्पिटल में जाएगा। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, वहाँ पे उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो चेक की जाएगी, वेरिफिकेशन वगैरह के काम है वो होंगे। इसी के साथ ही उनकी आइडेंटिटी वो आधार वगैरह के थ्रू भी यहाँ पे चेक है वो की जाती है। इसके बाद में उस पर्सन की ये देखी जाएगी कि भैया वो पर्सन है वो इस स्कीम के एलिजिबल है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पर्सन इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद में क्या होगा, बेनिफिशियरी है उसका एक फैमिली कार्ड बनाया जाएगा, और फिर उनको कार्ड देके ट्रीटमेंट वगैरह उसका किया जाएगा। उसके बाद में जो पैसे वगैरह का सेटलमेंट है वो, मतलब जो भी गवर्नमेंट्स के अकाउंट वगैरह उनके साथ बेसिकली किया जाएगा। ये इसकी एक सिंपल सी प्रोसीजर है। जैसे कि आपको एक तरीके से बताऊं, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में जाएगा, वहां पे उसको मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल के जो भी प्रशासन है वो उससे आपस में बातचीत वगैरह के थ्रू पता करेगा कि भाई उसको प्रॉब्लम वगैरह क्या है। इसके बाद में बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन होगा कि भाई उसको ये तकलीफ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, आधार वगैरह के साथ वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में हॉस्पिटल सिलेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट वगैरह की तरफ फोकस किया जाएगा कि भाई कौन सा चेकअप वगैरह करवाना है, क्या ट्रीटमेंट है, ये इंक्लूड है वगैरह नहीं है। इसके बाद में ट्रीटमेंट होगा, फिर डिस्चार्ज होने के बाद जो क्लेम होगा सेटलमेंट वगैरह वो किया जाएगा। बेसिकली एक सिंपल सी प्रोसीजर है। अब देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर 2 3 फैक्ट्स हैं वो थोड़े हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी आयुष्मान भारत, उसी के तहत ये स्कीम है, पहली बात तो ये हमें पता है। इसके बाद में बात ये है कि इसमें सोशल इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था हमारे देश में 2011 में, उसके डाटा को या उन आंकड़ाज को यूज किया जाएगा, और उसके आधार पर लोगों को ये आप बोल सकते हो कि एक तरीके से हेल्थ केयर स्कीम है वो प्रोवाइड है वो की जाएगी। एक तरीके से इसके लिए नेशनल हेल्थ सर्वे है वो अपेक्स बॉडी का काम कर रही है, और इसके द्वारा जो इम्प्लीमेंट करने का काम है इस स्कीम को वो भी नेशनल हेल्थ सर्वे के द्वारा ही किया जा रहा है। उसी ने डाटा वगैरह प्रोवाइड करा है, और उसी के आधार पर लोगों को ट्रीटमेंट वगैरह मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्कीम है। लगभग आप देख सकते हो कि खुद की 50 करोड़ लोगों को इस स्कीम में इंक्लूड है वो क्या गया, 5 लाख तक का उनको बीमा है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं इस स्कीम को लेके, तो हमें ध्यान रखने हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूछ लो चाहे या फिर आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो जन आरोग्य के अंदर है, इसके साथ ही हेल्थ सेंटर हो जाएंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो वो एक अलग टॉपिक आता है। बट आज है जो मेन पॉइंट है वो हमारा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आया है वो बेसिकली आया है कारा के बारे में। कारा का फुल फॉर्म क्या है, ये कारा का मतलब है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। देखो, अभी इसको लेके कुछ कंटेक्स्ट न्यूज़ में भी थी है कि इसमें कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की थी, और इसमें कुछ रूल्स वगैरह को चेंज करने की बात है वो चल रही है। तो पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि कारा है क्या। देखो, कारा है वो एक एक्ट के तहत बॉडी है, वो बनाएगी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी एक्ट के तहत।
जो कि बेसिकली हमारे देश के अंदर स्टेचुरी बॉडी के तौर पे काम है ओबियसली करने वाली है। इसी के साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है, ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखो बात ऐसी, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बच्चा गोद लेना हो तो उसके लिए गोद लेने की जो भी प्रोसीजर है या अडोप्ट करने की जो भी प्रक्रिया है वो कारा के द्वारा ही हमारे देश में डिसाइड की जाती है। ये मान लो कि एक पर्सन है दिल्ली में है और वो कोई बच्चे को अडोप्ट करना चाहता है, वो कि बेसिकली मान लो हरियाणा में, तो वहाँ पर कारा काम करेगी। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बच्चे को अडोप्ट करना हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बच्चे को अडोप्ट करना हो, अगर इंडिया का वहाँ पर रोल आ रहा है तो विदाउट कारा या विदाउट कारा की परमिशन के आप वो काम नहीं कर सकते। तो अगर इंडिया में मतलब क्या होगा, इंटर कंट्री अडॉप्शन हो या फिर इन कंट्री अडॉप्शन हो, दोनों ही कंडीशन में कारा है वो अपनी गाइडलाइन जारी करती है और उसके मुताबिक कुछ चेंज वगैरह होते रहते हैं। जैसे कि इसमें एक तो ये प्रावधान है कि कोई भी सिंगल पर्सन जैसे मेल सिंगल पर्सन है अगर वो बच्चा गोद लेना चाहता है तो वो फीमेल को गोद नहीं ले सकता, मतलब किसी लड़की को है गोद है वो नहीं ले सकता, कोई कपल है वही लड़की को गोद है वो ले सकता है, इस तरह के कुछ प्रावधान इसमें किए गए। देखो वो सब तो हमें याद करने इनकी नहीं बैठना है, बट हमें पता होना चाहिए कि कारा काम क्या करती है, क्योंकि हमें लग सकता है केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम कर रही हो, एक कंट्री में ही काम कर रही हो, बट ये इंटर कंट्री के बीच में भी काम है वो करती है। अब देखो इसी को लेके बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए एक और है कन्वेंशन है जिसका नाम है हेग कन्वेंशन, यह काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है। तो हेग कन्वेंशन है वो 1993 में आई थी बेसिकली और इंडिया ने इसे 2003 के अंदर बेसिकली साइन है। वो क्या था, हेग कन्वेंशन है वो भी बेसिकली जो चाइल्ड अडॉप्शन है, चाइल्ड क्या बोल सकते हो कि ट्रैफिकिंग वगैरह है उनको रोकने के लिए बेसिकली लाई है वो गई थी। तो आपको ध्यान रखना कि इंडिया इसका सिग्नल मतलब इंडिया है उसने इसके साथ MOU साइन कर रखा है, फिर आप बोल सकते हो कि इंडिया ने इससे हस्ताक्षर है वो कर सकते हैं हेग कन्वेंशन पे। तो एक छोटा सा फैक्ट बन जाता है यहाँ पे, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है इको सेंसिटिव एरिया या फिर इको सेंसिटिव जोन को लेके। देखो इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या होता है, इको सेंसिटिव एरिया बोलो से आप, इको सेंसिटिव एरिया का मतलब यह है कि वो एरिया जो इकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट के नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकली मतलब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, इसलिए वो एरिया इको सेंसिटिव एरिया में आ जाता है। कि भाई डिमांड तो उसकी दोनों साइड से है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट काफ़ी वल्नरेबल है, वो एरिया होता है इको सेंसिटिव एरिया। अब देखो बात ऐसी है कि हमारे देश में जो वेस्टर्न घाट है जो कि बेसिकली कौन कौन से स्टेट में फैला आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताइए, वेस्टर्न घाट है उसमें इको सेंसिटिव एरिया को लेकर बिग न्यूज़ है वो आई है। देखो बात ऐसी है कि इको सेंसिटिव एरिया उसमें मोर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और बायो डाइवर्सिटी है वो कंजर्वेशन को भी फोकस करना होगा, क्योंकि देखो आज के टाइम पे जिस तरीके से जो हैबिटेट है वो लगातार चेंज होता जा रहा है और इन्वायरमेंट है उसका मतलब ऐसे में बारिश हो रही है तो काफ़ी कुछ खतरा हो जाता है, इसलिए वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव एरिया को बढ़ाने की बात है वो की जा रही है। ये बेसिकली अभी कंटेक्स्ट यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा ड्राफ्ट है वो जारी किया गया है इको सेंसिटिव जोन को लेके, तो हमारे लिए वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है ड्राफ्ट तो, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इको सेंसिटिव एरिया और वेस्टर्न घाट को लेके कुछ कौन सी कमेटीज़ हैं वो आई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न घाट को लेके बेसिकली दो कमेटियाँ आई हैं अभी तक, एक तो आई है कस्तूरी रंजन कमेटी और एक आई है गडगिल कमेटी। कस्तूरी रंजन कमेटी का तो ये कहना था कि जो वेस्टर्न घाट है इसका मैक्सिमम जो हिस्सा है लगभग 90% जो हिस्सा है इसको इको सेंसिटिव एरिया में घोषित कन्वर्ट है वो किया जाए, और गडगिल कमेटी ने कहा था कि देखो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो लगभग 60,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट है, सॉरी 60,000 किलोमीटर स्क्वायर है, उस एरिया में लगभग 37% एरिया है वो सेंसिटिव एरिया है, मतलब वहाँ पर तो एट एनी कॉस्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान रखना दोनों कमेटियाँ आई हैं, दोनों कमेटी आपको ध्यान रखनी है, और जो गडगिल कमेटी है उसके द्वारा तो ये कहना है कि भाई तो 37% जो एरिया है वो तो काफ़ी इको सेंसिटिव है, मतलब उस एरिया पे तो कोई भी एक्टिविटीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखो हम सब लोग एक चीज़ जानते हैं कि वेस्टर्न घाट के अंदर हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्यों एक बार थोड़ी उसके हम लोकेशन देखते हैं फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। एक सेकेंड आपको, अब आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट दिख रहा होगा, देखो ये वाला जो एरिया ये आप देख पा रहे हो ये सारा है यहाँ पे वेस्टर्न घाट यहाँ आते लेके,
इसके बाद में ये इधर छोटा मोटा टूटा फूटा सा दिख रहा है, ये आ गया ईस्टर्न घाट आपका, किस एकदम टूटा फूटा सा यहाँ पे फिर बीच में ब्रेकेज इसमें। अब देखो वेस्टर्न घाट है ना, इसमें आप देखो जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून का मतलब कौन सा आएगा कि जो मानसून के टाइम पे जो मानसून आ रहा है बेसिकली, उसकी हम बात यहाँ पे करें। नॉर्थ ईस्ट मानसून सॉरी, जब भी मानसून यहाँ पे आ रहा है उस मानसून की हम बात यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की कर लेते हैं। साउथ ईस्ट मानसून आ गया इधर से जो गर्मियों में आ रहा है, ये मानसून आएगा तो देखो इस वाले एरिया में बारिश है वो होगी खूब अच्छी, मतलब गर्मियों के मौसम में इस वाले एरिया में बारिश हो जाएगी। सर्दियों में जब मानसून वापस लौटेगा इधर से, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा तो क्या होगा इस वाले एरिया में, फिर देखो यहाँ टकरा के बारिश है वो होगी। मतलब इस वाले एरिया में क्या कि बारिश काफ़ी अच्छी रहती है वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, और उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि स्पीसीज काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हैं। अब आपको पता है कि ज़्यादा बारिश होती है उस वाले एरिया में तो पेड़ पौधे भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ करते हैं, और वहाँ पे डाइव स्पीसीज हैं वो ज़्यादा अच्छे से पनपती हैं, और इसीलिए वेस्टर्न घाट के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। क्योंकि देखो जो ईस्टर्न ये वाला ईस्टर्न घाट है इसमें जो बारिश है मैक्सिमली वो थोड़ी बहुत होती है, वो भी कौन सी होती है विंटर्स में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है उसकी वजह से ही होती है। क्योंकि देखा जाए तो मैक्सिमम देखो इसका इसका इसके पैरेलल ही हो गया है, तो यहाँ पे क्या माउंटेन के टकरा नहीं पाती है और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है ज़्यादा, तो इसीलिए ध्यान को आपको फिर ध्यान में रखना है। जबकि बात करें वेस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट के जब सर्दियों में बारिश होती है तो इधर आके टकराती है विंड सीधी और यहाँ पे बारिश हो जाती है, और गर्मियों के अंदर भी इधर से जो विंड आती है वो यहाँ पे टकराती है, तो इस वाले एरिया में बारिश ही बारिश हो जाती है। तो ये आपको फैक्ट है वो ज्योग्राफी के लिहाज से थोड़ा ध्यान में रखना है, और इसीलिए वेस्टर्न घाट को ज़्यादा कंजर्व करने की बात है वो की जा रही है। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है यूनेस्को के द्वारा 2012 में, तो ये एक छोटा सा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न घाट को लेकर कौन कौन सी कमेटीज वगैरह हैं एक फैक्ट बन जाते हैं। क्योंकि देखो इंडिया में जो मैक्सिमम स्पीसीज पाई जाती हैं वो नॉर्मली वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं, मैक्सिमम यही होता है मूवमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि आर्टिकल 72 है उसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है वो दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट ये है आर्टिकल 161 है इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है वो दी गई है। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है, या फिर दोनों ही गलत है या फिर दोनों ही सही है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में, फिर इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एनजीटी को लेके। अब देखो एनजीटी है, पहले तो उसके बारे में हम जानते क्या है। एनजीटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपको बताइए, एनजीटी का मतलब हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके। देखो एनसीटी है वो बेसिकली एक स्टेचुरी बॉडी है आप बोल सकते हो, इसे बनाया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यह है कि एनजीटी है वो अपने आप के ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही बनाई गई है पहली चोट पे ऐसी बॉडी, इससे पहले भी बनाई गई है। इससे पहले हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस तरह की बॉडीज हैं वो बनाई गई हैं। देखो हम सब एक चीज़ जानते हैं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है तो इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी कुछ केसेस होते हैं डेवलपमेंट वगैरह के टाइम पे कि भैया कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्षति वगैरह पहुंचा रहे हैं, तो उन केसेस हैं उनको जल्दी से निपटारा मिल सके इसके लिए बेसिकली एनजीटी है वो बनाया गया था। एनजीटी एक्ट क्या है, ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है, देखो ट्रिब्यूनल है तो है वो बेसिकली एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कोर्ट और जो नॉर्मल कोर्ट होती है उनकी तरह मिक्सअप काम है वो करता है। मतलब ट्रिब्यूनल है वो बहुत जल्दी किसी एरिया के लिए स्पेसिफिकली काम है वो करते हैं, जैसे कि एनजीटी होगा वो किसके लिए काम करेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब जो इसकी ज्यूरिडिक्शन है जो इन एरियाज के लिए इसको बनाया गया है केवल उसी एरियाज में काम करेगा। कोर्ट के अंदर देखो कोई भी तरह का केस ला जा सकता है, जबकि एनजीटी में केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस हैं वही जाते हैं, और बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो है वो करता है और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो है वो करता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नेचुरल जस्टिस है उसके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जबकि कोर्ट है वो किसको फॉलो करती है रूल्स वगैरह को। यहाँ पे नेचुरल जस्टिस को फोकस है वो किया जाता है, नेचुरल चीज़ों पे फोकस है वो किया जा रहा है, तो आपको इसके प्रिंसिपल के ऊपर भी ध्यान है वो रखना है। अब देखो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 क्या कहता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाए जा सके, और इसी के लिए एनजीटी का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट है वो मिल सके और उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो सकें। इंडिया जैसा मैंने आपको बताया पहली कंट्री नहीं है ऑल ओवर में जिसने एनजीटी को बनाया, इंडिया ऑल ओवर में ऐसी तीसरी कंट्री है।
बेसिकली इसके पास कोई भी केस जाता है उसकी लिमिट होती है मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इसको केस है वो सोल्व है वो करना होता है। अब थोड़ा इसके बारे में कंपोजिशन के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। कंपोजिशन की बात देखो ये है, इसमें है 20 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर तो होते हैं जुडिकल, जुडिशियरी से आते हैं मतलब, और 10 होते हैं वो होते हैं एक्सपर्ट मेंबर। तो एक्सपर्ट मेंबर है मतलब क्या है कि वो इन्वायरमेंट को लेकर स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट हो सकता है, या फिर कोई डॉक्टर्स वगैरह कोई भी हो सकता है कि जो कि इन्वायरमेंट को लेकर एक्सपर्ट हो। तो 10 मेंबर तो जुडिशियरी से आ गए, 10 आ गए एक्सपर्ट। अब देखो जो जुडिशियरी से जो मेंबर आएंगे ना, जो 10 मेंबर आएंगे वो हो सकता है कि या तो रिटायर्ड जज हो, या फिर हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जज हो, मतलब या तो अभी रिसेंटली जो पोस्ट अपनी जॉब पे हो, या फिर रिटायर्ड हो चुके हो, कौन, या तो हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट की। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड या फिर एग्जिस्टिंग जज है वही इसके जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। अब बात करें एक्सपर्ट मेंबर की, तो कोई एक्सपर्ट तो कोई भी हो सकता है कि जो कि अपने एरिया में एक्सपर्ट हो। चेयरपर्सन की हम बात करें तो इसका जो तो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होते हैं वो जज और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट का कोई जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो हो सकता है, या फिर आपको ध्यान रखना है कोई स्पेशल पर्सन भी हो सकता है जो कि अपने एरिया में महारत हासिल कर रखी हो, उसने इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम किया हो, उस पर्सन को भी यहाँ पे चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट है वो किया जा सकता है। तो यूपीएससी यहाँ पे कन्फ्यूज़ कर सकती है कि इसके चेयरपर्सन है वो ओनली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, या फिर ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं, रिटायर्ड वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है। 3 यहाँ पे क्राइटेरिया रखे गए हैं, या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर कोई भी स्पेशल पर्सन जिसको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो। और जो अपॉइंटमेंट का काम है वो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और एडवाइस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली खुद अपॉइंट है वो करती है, बट एडवाइस वगैरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हेल्प से ही की जाती है। तो देखो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ट्रिब्यूनल जैसा मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर अपने काम के लिए ही बेसिकली फोकस है वो करते हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो केवल इन्वायरमेंट से संबंधित इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है उसी एरिया पे काम करता है, ऐसा नहीं किसी भी एरिया में। और कोर्ट क्या करती है, कोर्ट को तो हर मामलों में काम है वो करना पड़ता है, तो ये डिफरेंस है वो होता है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखते हैं कि एनजीटी की ज्यूरिडिक्शन में कौन कौन से एरियाज हैं वो आते हैं। जैसे कि आपको स्टेटमेंट दे दें कि एनजीटी के एरिया ज्यूरिडिक्शन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो आता है, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको एक कुछ पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रखने हैं। जैसे कि एक तो द वाटर पोल्यूशन एक्ट है 1974, वो एनजीटी की ज्यूरिडिक्शन में आता है, मतलब एनजीटी उस पर निर्णय सुना सकती है। इसके बाद में आता है द वाटर सेस एक्ट 1977, तो ये भी इसकी ज्यूरिडिक्शन में है। इसके साथ ही आता है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ध्यान रखना है यहाँ पे द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इसके साथ ही आता है एयर एक्ट 1981 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके साथ ही पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये देखो थोड़ा काफ़ी अलग हो जाता है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इसमें है या नहीं है, तो जी ये भी एनजीटी की ज्यूरिडिक्शन में है। इसी के साथ ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, वो भी बेसिकली एनजीटी की ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो यही एनजीटी की ज्यूरिडिक्शन है, या बोल सकते हो कि एनजीटी का दायरा इन्हीं एरियाज पे है, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी केस आता है एनजीटी के पास तो एनजीटी सुनवाई कर सकती है, अन्यथा नहीं। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, आप कुछ समझ गए हो कि वो इसकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, तो एनजीटी उस पर कोई भी फैसला नहीं सुना सकती है। तो ये आपको उस फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे ध्यान है वो रखने हैं, क्योंकि देखो एनजीटी हर साल न्यूज़ में रहती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड ट्रिब्यूनल है वो हो जाता है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, अब एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने इको सेंसिटिव एरिया के बारे में जाना कि वेस्टर्न घाट के अंदर अभी 2 कमेटियां आई थी, कस्तूरी रंजन कमेटी, गडगिल कमेटी, और वहाँ पे इको सेंसिटिव एरिया को बढ़ाने की बात हो की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है वो कर रही है, और उसको कंजर्व भी करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही हमने सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी मतलब कारा के बारे में जाना, जो कि एक स्टेचुरी बॉडी है, और इंटर कंट्री या फिर आप बोल सकते हो कि इन कंट्री कोई भी चाइल्ड को अडॉप्ट करना हो तो उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह पॉलिसी हैं वो इसी के द्वारा जारी है वो की जाती हैं। इसके साथ ही इंडिया ने हेग कन्वेंशन को साइन कर रखा है, जो कि एडोप्शन को लेकर बनाई गई थी, 2003 में इंडिया ने इसे साइन किया था। इसके साथ ही हमने आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में जाना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जाना। इसी के साथ ही अपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एक्ट है 2010, इसके बारे में जाना। एनजीटी किस तरीके से काम करती है, एक स्टेचुरी बॉडी है। इसके साथ ही कंपोजिशन जाना, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो सब बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।